हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ, और अपने चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ को। आईएलओ यूनिट 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ 2019 में अपनी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाने के कारण करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आज इस वीडियो के थ्रू मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आईएलओ के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर कर सकूं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुख्यतः लेबर के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वे ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, यानी जिनकी प्रेजेंस नेशनल लेवल पर होती है, जिनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः एक देश की बाउंड्री के अंदर ही रहता है, वो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि इंडिया में आईएलसी या एसएलसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती हैं और गवर्नमेंट को लेबर से रिलेटेड इश्यूज पर सलाह देने का काम करती हैं। ट्रेड यूनियन की फेडरेशंस जो हैं, जो कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा वॉलेंटरी बेसिस पर भी कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कि लेबर वेलफेयर का वर्क करते हैं, लेबर की प्रॉब्लम्स को दूर करने का कार्य करते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये सभी नेशनल लेबर के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर लेबर की समस्याओं के समाधान तथा उनकी बेहतरी के लिए वर्क करते हैं, तथा इनकी बनाई गई जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या जो नियम होते हैं उनका इफ़ेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर पड़ता है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक स्तर पर यानी कि यूनिवर्सल लेवल पर लेबर स्टैंडर्ड्स को तय करने का काम करता है और उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू वैश्विक स्तर पर लेबर की समस्याओं को दूर करने का और सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क के थ्रू उनकी स्थितियों में सुधार का कार्य करता है। किसी भी देश में लेबर से रिलेटेड नियम कानून या मानकों का निर्धारण करते समय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की गाइडलाइन, सलाह और दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। आईएलओ के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कहते हैं। इनको समझने से पहले आईएलओ के बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसकी कार्य प्रणाली को समझना काफ़ी आवश्यक है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट्स को याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पहला तो ये कि जो आईएलओ था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू अस्तित्व में आया था और टोटल 187 कंट्रीज इस समय आईएलओ की मेंबर हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या थी, इसको हम आईएलओ की हिस्ट्री के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आईएलओ से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट अन्य क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आईएलओ के स्ट्रक्चर की। आईएलओ एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है यानी कि त्रिपक्षीय संस्था है, यानी कि इसकी कार्यप्रणाली में गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड लेबर तीनों ही पक्षों का रिप्रेजेंटेशन रहता है। आईएलओ के मेनली तीन प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, यानी कि तीन भाग हैं, यानी आईएलओ की कार्यप्रणाली मेनली तीन भागों में डिवाइडेड है, जो कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, द गवर्निंग बॉडी एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस कहलाता है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आईएलओ की तीनों बॉडीज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस यानी कि जो आईएलसी होती है, इसी के थ्रू लेबर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि जिनको कन्वेंशन कहते हैं या रिकमेंडेशन भी होते हैं, वो सब इसी लेबर कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किए जाते हैं। ये लेबर कॉन्फ्रेंस वंस इन अ ईयर ऑर्गेनाइज होती है। आईएलसी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट, वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स के जो डेलीगेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी मेंबर्स कंट्रीज होती हैं उनमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर के डेलीगेट्स 2:1:1 के अनुपात में आईएलसी की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
आईएलसी के जो मुख्य फंक्शन हैं वो इस प्रकार से हैं, जो आईएलसी है उसी में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट होते हैं। इसके अलावा जो आईएलसी है वो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन क्या देंगे उस अमाउंट को सेट करती है, ये बजट डिसाइड करती है और उसको गवर्निंग बॉडी को सबमिट करती है। आईएलओ का डायरेक्टर जनरल जो प्रॉब्लम सबमिट करता है आईएलसी कॉन्फ्रेंस में, सभी मेंबर कंट्रीज के डेलीगेट्स मिलकर उन प्रॉब्लम को असिस्ट करते हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट कमिटीज़ भी आईएलसी के सेशन में ही डिसाइड की जाती हैं, बनाई जाती हैं। प्रेसिडेंट को भी इसी सेशन में इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उनको भी आईएलसी के इसी सेशन में सेलेक्ट किया जाता है। आईएलओ का जो दूसरा मुख्य पार्ट है दैट इज़ द गवर्निंग बॉडी, इसका काम आईएलसी के द्वारा लिए गए निर्णयों को इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की सहायता से परफॉर्म करना होता है या इम्प्लीमेंट करना होता है। ये भी एक ट्रिपार्टाइट बॉडी है, यानी कि त्रिपक्षीय कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट, वर्कर और एम्प्लॉयर का पक्ष होता है। अनुपात भी सेम होता है 2:1:1 का, बट यहाँ पर टोटल 56 मेंबर्स ही होते हैं गवर्निंग बॉडी में। इन मेंबर्स को आईएलसी की कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 24 मेंबर्स गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, 14 मेंबर्स वर्कर्स साइड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 14 मेंबर्स एम्प्लॉयर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्निंग बॉडी के प्रत्येक मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 3 ईयर्स का होता है। गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है जिसका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। ये जो डायरेक्टर जनरल होता है वही इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस परमानेंट सेक्रेटरिएट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, यानी आईएलओ के जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के थ्रू ही किया जाता है। आईएलओ के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मैनेजमेंट, जितने भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है वो सब कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के विभिन्न रीजनल, एरिया एंड ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये सभी ऑफिसेस 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल होता है वही इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो जो भी वर्किंग होती है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की वो डायरेक्टर जनरल की लीडरशिप में परफॉर्म की जाती है। सो डायरेक्टर जनरल इज द होल सोल इन चार्ज ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। आईएलओ का स्ट्रक्चर समझने के बाद में अब बात करते हैं उन कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन की जो कि आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाए जाते हैं। कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन आईएलओ के द्वारा बनाए गए लेबर स्टैंडर्ड होते हैं, यानी आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में लेबर की स्थिति को सुधारने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो मानक निर्धारित किए जाते हैं वो कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन कहलाते हैं। जो लेबर स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो कन्वेंशन और दूसरा रिकमेंडेशन। जो कन्वेंशन होते हैं वो मेंबर कंट्रीज़ पर लीगली बाइंड होते हैं, यानी इन कन्वेंशंस को अपने नेशनल लॉ का हिस्सा बनाना मेंबर कंट्रीज़ के लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरी तरफ जो रिकमेंडेशन होते हैं वो नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस होती हैं, यानी मेंबर कंट्रीज़ को इनको अप्लाई करना अपने नेशनल लॉ में अनिवार्य नहीं होता। ये मात्र एक गाइडलाइन होती हैं जो कि कन्वेंशन को सप्लीमेंट करती हैं और उससे रिलेटेड नियमों को विस्तार में बताती हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन होती हैं वो ऑटोनोमस भी हो सकती हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कन्वेंशन से रिलेटेड हों। आईएलओ स्वतंत्र रूप से भी रिकमेंडेशन जारी कर सकता है। रिकमेंडेशन के थ्रू आईएलओ का प्रयास होता है कि मेंबर कंट्रीज़ नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए लेबर के वेलफेयर के लिए प्रयास करें और आईएलओ के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखें। आईएलओ के द्वारा दिए गए कन्वेंशन किस तरीके से एप्लीकेशन में आते हैं उस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस को जारी करती है, उसके बाद में मेंबर कंट्रीज जो होती हैं उसे रेटिफिकेशन के लिए अपनी अपनी पार्लियामेंट में देती हैं, जिसको कंसीडर किया जाता है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने की प्रक्रिया को रेटिफिकेशन कहते हैं। जब ये कन्वेंशन रेटिफाई हो जाता है उसके बाद ये उस देश के नेशनल लॉ में
एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि उस देश के नेशनल लॉ में इस कन्वेंशन से रिलेटेड नियमों का पालन होना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी कन्वेंशन जो कि रेटिफाई हो जाता है वो उस देश के नेशनल लॉ में रेटिफिकेशन की डेट से एक साल के बाद से ऑटोमेटिक रूप से इन्फोर्स हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। यदि मेंबर कंट्रीज कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद भी वायोलेशन करती हैं तो ऐसे केस में आईएलओ कंप्लेंट प्रोसीजर को फॉलो करती है। आईएलओ के द्वारा जो दिए गए कन्वेंशन है उनमें से कुछ कन्वेंशन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फंडामेंटल कन्वेंशन। टोटल 8 कन्वेंशन है जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इनमें से 6 कन्वेंशंस को इंडिया ने रेटिफाई किया है, जबकि 2 कन्वेंशन ऐसे हैं जिन्हें इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। तो इन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो फंडामेंटल कन्वेंशन है, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 29 है ये, और 1930 में आया था, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है। दूसरा जो कन्वेंशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज, ये कन्वेंशन नंबर 87 है, 1948 में आया था, इसको रेटिफाई नहीं किया गया है इंडिया की तरफ से। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन कौन से कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किए गए हैं, या दिए हुए कन्वेंशन में से कौन सा नंबर का कन्वेंशन इंडिया के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। जो तीसरा कन्वेंशन है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, कन्वेंशन नंबर 98 है ये, 1949 में आया था, इसको भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। जो नेक्स्ट है कन्वेंशन, इक्वल रेमुनरेशन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 100 है, 1951 में आया था, रेटिफाई किया गया है इंडिया के द्वारा। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 105 है, 1957 में आया था, रेटिफाई है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 111, 1958 में आया था, रेटिफाई किया गया है। मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138, 1973 में आया था, रेटिफाई है। नेक्स्ट वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, 1999 में आया था, कन्वेंशन नंबर 182 है, रेटिफाई किया गया है। तो मात्र 2 फंडामेंटल कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 87 एंड कन्वेंशन नंबर 98, जो कि इंडिया ने रेटिफाई नहीं किए हैं। इसके अलावा 4 गवर्नेंस कन्वेंशन दिए गए हैं, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आईएलओ के ऊपर मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँगी। सो बी ट्यून टू माई चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, और रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।